जीवन परिचय याद करने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि कैसे जीवन परिचय याद करना है। देखो, लिखना बहुत लोगों को आता है, लेकिन जो याद करने का तरीका है ना, मैंने देखा पहले कि YouTube पर किसी ने बताया ही नहीं है। मैंने भी कुछ वीडियो में बताया है, लेकिन वो तरीका पुराना हो गया है, उसमें सिर्फ लिखने का ही तरीका है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीवन परिचय कैसे याद करना है, फिर चाहे वो जिसका हो, कोई स्पेसिफिक नहीं कि हाँ इन्हीं का ही आप जीवन परिचय ऐसे याद कर सकते हो, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो, चाहे जयशंकर प्रसाद का हो, चाहे तुलसीदास, सूरदास, राजेंद्र प्रसाद, किन्हीं का भी जीवन परिचय हो, आप लोग यूं चुटकियों में याद कर लेंगे, आपको एक से दो मिनट भी नहीं लगेगा। जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, ऐसा तरीका आपने आज तक कभी नहीं देखा रहा होगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। देखो, बीच बीच में मैं कुछ ऐसे ट्रिक भी बताऊंगा, और अगर वहीं पर आप वीडियो भगा दिए, फिर कुछ भी कर दिए, तो आप उन तरीकों को मिस कर जाओगे और बाद में कहोगे भैया मैं तो याद कर ही नहीं पाया। तो वीडियो को पूरा देखना है। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको जीवन परिचय में कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो। और वैसे भी 2025 का तो अपना बोर्ड एग्जाम आ ही रहा है ना, तो अब जो 2025 का बोर्ड एग्जाम आ रहा है, इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो, यहाँ पर आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी का भी जीवन परिचय याद करो, अब जैसे मान लो, देखो जो इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, मैं उनको पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से जीवन परिचय हैं कि आपको एकदम तैयार करने जरूरी हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो देखो, सबसे पहला, फिर आएगा दूसरा, फिर तीसरा। सबसे पहला जो जीवन परिचय है गद्य में, वह रहेगा रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है, जिनको बोलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जीवन परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद, ठीक। और इसके बाद गद्य में आते हैं राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों का जीवन परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कहेंगे कि भैया गद्य का तो बता दे, पद्य में ही बता दो कौन कौन सा जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, पद्य का भी देख लो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, किन में से आएगा। पहला हो गया सूरदास, सूरदास, ठीक। सूरदास जीवन परिचय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सूरदास के बाद आते हैं तुलसीदास, तुलसी दास, ठीक, सूरदास, फिर है तुलसीदास। अब देखो, दो जीवन परिचय आपने देख लिया, सूरदास, तुलसीदास। अब इसके बाद कौन आएंगे, अब चाहे सुमित्रानंदन पंत ले लो, नहीं तो महादेवी वर्मा, इनका भी जीवन परिचय ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो यहाँ पे, महादेवी वर्मा, इनका जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो, अब इनको याद कैसे करोगे, एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप याद कर सकोगे। अब यहाँ पे कोई भी एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में जैसे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही लेते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने पास एक पेज लेना है, ठीक है, एक पेज कहीं से भी एक पेज निकालना, उस पेज पर ऐसे ऊपर काली पेन से लिखना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे पहले लिखना है। कैसे करोगे, देखो ऊपर जिनका भी जीवन परिचय है, मैं एग्जाम्पल में ले रहा हूं रामचंद्र शुक्ल का, तो एग्जाम्पल लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक, तो मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ये ऐसे हो गया। अब क्या करना है, ध्यान रखना, यहीं पे मेन चीज आता है क्या करना है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये करना है कि सबसे पहले इनका जन्म, अभी आपको ये क्या करना है, बुक से देख कर लिखना है, ठीक, ये आपको बुक से देख कर लिखना है, मतलब किताब से क्या लिखना है, जन्म, ठीक। और जन्म के बाद फिर लिखना है जन्म स्थान, यहाँ पे अभी काली पेन से जैसे जैसे बता रहा हूं इतना ध्यान देते चलो, यही यही सेम करना है। फिर लिखोगे यहाँ पे जन्म स्थान, ठीक, जन्म और फिर जन्म स्थान। अब इतना लिखने के बाद, अब देखो जन्म और जन्म स्थान लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, फिर लिखना है इसमें पिता का नाम, ठीक,
माता या फिर पिता, अगर माता को जानते हो तो माता का नाम लिख दो, पिता का नाम जानते हो पिता का नाम, गुरु का नाम तो गुरु का नाम, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिता का नाम, आपको तीनों लिख देना है जो जो आपको पता होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, पिता का नाम, ठीक, पिता का नाम। अब इसके बाद फिर अगर इनके बारे में और कुछ जानते हो, इनकी रचनाएं जानते हो, तो यहाँ पर आपको लिखना है रचना, ठीक। और इतना करने के बाद फिर जैसे मृत्यु डायरेक्ट लिख दो, चलो, मतलब इनके बारे में जितने मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें ये लिखना है। और फिर जैसे जन्म इनका हुआ था सन 1884, तो ऐसे लिख दोगे सन 1884 ईस्वी। अब जो जो पता, जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था, अगोना नामक गांव में हुआ था, बस्ती जिले में, तो लिख दो अगोना। पिता का नाम था चंद्रबलि शुक्ल था, चंद्र बलि शुक्ल। अब और क्या जानते हो, रचना, इनकी रचना बहुत सारी थी, क्या थी, रस मीमांसा और मित्रता, ऐसे चार पांच रचनाएं लिख देनी है इनके। अब दोस्तों मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु हुई थी सन कब हुई थी, सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। अब देखो इतना चीजें लिख देना है। अब यही चीज जब भी आप कहीं भी जाओ रटते रहो, 5 मिनट के अंदर देखोगे आपको याद हो जाएगा। जन्म सन 1884 ईस्वी, जन्म स्थान अगोना, पिता का नाम चंद्रबलि शुक्ल, रचना रस मीमांसा मित्रता मित्र, इतना। अब इतना आपको याद करने के बाद, अब ऐसा नहीं कि अब इतना ही तो आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, नहीं कि सिर्फ इतना लिखोगे और आपको नंबर मिल जाएगा, इतने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा पूरे पेज का। तो वो अब आप कैसे करोगे, उसके लिए आपको लेनी है बुक, ठीक। देखना, ध्यान रखना, बुक या फिर कहीं से भी इनका जो पूरा एक पेज वाला जीवन परिचय है उसको 2 से 3 बार पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है। और देखोगे जैसे ही आप 2 से 3 बार पढ़ोगे, प्लस आपको ये तो एकदम याद हो गया रहेगा, तो अब जो जीवन परिचय होता है ना वो सिर्फ कहानियों का ही एक मिश्रण होता है। जैसे अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे तो उनकी कहानी अच्छी तरीके से आपके दिमाग में रट जाएगी। और वहां पर क्या नहीं रटता, जैसे जन्म हो गया, माता का नाम, पिता का नाम, तो वो सब तो आप पहले ही यहाँ पे तैयार कर लिए रहोगे। तो इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, पहले ये तैयार करना है, और जैसे इतना तैयार कर लोगे आपको उनका मेन वाला जीवन परिचय पढ़ना है और उसको तैयार करना है। जैसे इतना करोगे आपके सामने बस एकदम मस्त मजा आ जाएगी, और आप कहोगे भाई ये तो मैंने 10 मिनट में ही, जितनी देर की वीडियो थी इससे कम में ही पूरा जीवन परिचय को तैयार कर लिया। आप ये चीज करके देखना, सिर्फ वीडियो देखकर यहाँ पे कुछ मत कमेंट करना, करके देखना, मैं कह रहा हूँ 100% वर्क करेगा। बाकी अगर आप भी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक जरूर से करना है, प्लस आप कमेंट में बताना कि आपको आप कौन सी वीडियोस चाहिए,